नमस्कार, आज हम सूजी का केक बनाने जा रहे हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। सबसे पहले बोल में हम एक कप गुनगुना दूध लेंगे। इसमें हम 1.5 टीस्पून सिरका डालेंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे और 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए हम इसको रख देंगे। अब इसमें हम 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे, 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालकर दोनों चीजों को अच्छी तरीके से मिलाएंगे। उसके बाद इसमें हम 1 कप पाउडर्ड शुगर डालेंगे। ये शुगर रेगुलर शुगर ही है जो हम घर में यूज करते हैं, उसी को हम बारीक पीस कर यूज करेंगे। अब इसमें हम 1 कप बारीक सूजी डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालकर मिलाएंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 6 टेबल स्पून कोको पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि रेस्ट करने के लिए छोड़ना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि सूजी थोड़ा फूलती है। उसके बाद हम केक टिन में ऑयल की ग्रीसिंग करेंगे और थोड़ी मैदा की डस्टिंग भी करेंगे। फिर इस मिक्सचर को इसके अंदर डाल देंगे। ऊपर से थोड़े से चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम, पिस्ता यूज किया है। इसके बाद हम प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री पर 25 मिनट्स के लिए केक को बेक करने के लिए रख देंगे। देखिए, आपका स्वादिष्ट और हेल्दी सूजी का केक तैयार है। अब मैं आपको इसका एक पीस भी कट करके दिखा रही हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट केक बना है। ये रेसिपी आप इस लॉकडाउन सीजन में घर बैठे बैठे बना सकते हैं, क्योंकि इसमें यूज होने वाला सारा सामान आपके घर में इजीली अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like my video, do subscribe my channel so that you do not miss out any future video.